पेरेंट्स, आज आपको मिलाते हैं न्यूबॉर्न बेबीज की स्किन के बेस्ट फ्रेंड यानी इमोलियंस से। आई एम डॉक्टर देवेंद्र डांगर एंड वेलकम टू एपिसोड 14 ऑफ द सीरीज न्यूबॉर्न केयर विद डॉक्यूरा। न्यूबॉर्न बेबीज की स्किन बहुत डेलिकेट होती है। उनकी स्किन का आउटर लेयर 30% थिन होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट, जिसकी वजह से उनमें से मॉइस्चर लॉस होता है और बेबीज की स्किन ड्राई लगती है। तो हम रिकमेंड करते हैं द यूज ऑफ इमोलियंस। सबसे पहले जानते हैं कि इमोलियंस क्या है। तो ये एक तरह के मॉइस्चराइजर्स है जो स्किन को नरिश करते हैं और ड्राइनेस को दूर रखते हैं। ये अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं, जैसे लोशंस, क्रीम्स, ऑयल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट जानते हैं इमोलियंस के 5 बेनिफिट्स के बारे में। नंबर 1, ये मॉइस्चर को लॉक करता है और स्किन को हाइड्रेट रखता है। नंबर 2, ये स्किन के लिपिड लेयर्स को रिस्टोर करता है। नंबर 3, ये स्किन की बफरिंग कैपेसिटी इंप्रूव करता है, जिससे पीएच और माइक्रोबायोम प्रिजर्व होते हैं। नंबर 4, ये प्रीमेच्योर बेबीज के स्किन में इन्फेक्शन और हाइपोथर्मिया प्रिवेंट करता है। नंबर 5, ये स्किन के मैच्योरेशन में हेल्प करता है और विटामिन डी के लेवल्स इंक्रीज करने में मदद करता है। करते हैं इसका यूज कैसे करें। तो बेबीज को नहलाने के बाद उनकी बॉडी पे जेंटली इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर बेबीज की स्किन ड्राई लगती है तो इसे मल्टीपल टाइम्स भी लगा सकते हैं। अगला सवाल आता है कि इमोलियंस को सिलेक्ट कैसे करें। तो इसके लिए 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। नंबर 1, ये थोड़े थिक होने चाहिए ताकि स्किन को ज़्यादा देर तक मॉइस्ट रखें। नंबर 2, इनमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं होने चाहिए। और नंबर 3, इनमें लिपिड्स और सेरामिड्स हैं तो ये स्किन के लिए बेटर हैं। तो पेरेंट्स, आपके न्यूबॉर्न बेबीज की स्किन की अच्छी केयर कीजिए, इमोलियंस को उनका फ्रेंड बनाइए और पाउडर को दूर रखिए।